तो भाई DHH में अब लोग रैप सॉन्ग बनाने से ज़्यादा लग गए हैं एक दूसरे को पोक करने में, और ये चीज़ अब DHH में काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। और हर आर्टिस्ट ने ये चीज़ सीख लिया है कि अपने से बड़े और फेमस आर्टिस्ट को पोक कर दो, डिस कर दो और फेम पा लो, ये तरीका सबको आ गया। तो भाई आज की भी हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मैंस म्यूज़िक और जो बादशाह के बीच की कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है उसके बीच के बारे में बात करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि क्या क्यों कैसे कब स्टार्ट हुआ, ये बिल्कुल भी, बस हम अपने व्यूज़ रखेंगे। और मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ वो उसमें जो रॉप्सी बीच में से उठकर आए हैं उनके बारे में बात करेंगे और रफ्तार वगैरह सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की भाई वीडियो में स्टार्ट करते हैं शुरू में से कि पहला पॉइंट मेरा ये है कि बादशाह ने अभी हाल फिलहाल में स्टोरी लगाई, यानी कल परसों ही, कि ये मैं इनका बापू ये जानते नहीं है और माँ डैश मोड ऑन, ये सब स्टोरी लगाई। देन मैन म्यूज़िक लगाते हैं कि भाई देखो कैसे, मतलब लड़का वेट कर रहा है RDB में, मतलब अपना डिब्यूट देने का। डिब्यूट अगर तुम्हें नहीं पता तो मतलब जो भी हम पहली चीज़, मान लो मैं पहला गाना निकालता हूँ अपनी लाइफ का तो उसे कहते हैं डिब्यूट, डिब्यूट ट्रैक। और अगर पहली एल्बम निकालते तो उसे बोलते हैं डिब्यूट एल्बम, ठीक है। तो उस हिसाब से, और RDB क्या है, RDB मतलब एक बैंड है जिसमें मैंस म्यूज़िक का भी था, रिदम ढोल बेस ऐसे कुछ फुल फॉर्म थी RDB की। इसमें तीन पंजाबी आर्टिस्ट थे जो कि अब खैर सिंगल आर्टिस्ट के नाम पर, ठीक है। और इसके बारे में मेरे को पहले पता है, इससे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने भी आ रखे हैं पहले जो हमने अपने चाइल्डहुड में सुने होंगे, और उनको सुन के तुम्हें अपना बचपन जरूर याद आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि चल क्या रहा है असलियत में इस DHH में। तो भाई देखो सिंपली बात, अब मैं सीधा आता हूँ रॉप्सी पे, अभी इस टॉपिक को थोड़ा सा हम रखते हैं साइड, अब सीधा आते हैं रॉप्सी पे। देखो भाई जब तक रॉप्सी ने मतलब अपना खुद का आउन वे सिलेक्ट किया था कि मैं रफ्तार गर्मा को बोलूँगा उनके डिस्ट्रैक्ट को कॉपी, मतलब डिस्ट्रैक्ट कह रहा हूँ उनके ट्रैक्स को कॉपी था, तब तक ना बात बच रही थी। लेकिन ना मेरे को ये बात समझ आती कि मतलब इंडस्ट्री छोड़ो DHH में, DHH यानी बहुतों को अगर नहीं पता तो देसी हिप हॉप जो भी हिंदी में हिप हॉप होता है अपने इंडिया और आसपास की स्टेट कंट्रीज़ में उसे हम देसी हिप हॉप कहते हैं। तो देसी हिप हॉप में मतलब कोई सा भी आर्टिस्ट जो डिफेम करेगा अपने पॉपुलर आर्टिस्ट को लाइक रफ्तार, बादशाह, रॉप्सी उनके साइड जा रहे, ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बुरी लगी। अगर वो सोलो रह के ये चीज़ करते तो बहुत अच्छी भी लगती कि भाई हाँ वन मैन आर्मी का टीम चल रहा है। अब लाइक मैंस म्यूज़िक को बादशाह के हो रहा तो भाई रॉप्सी कूद पड़े कि अब पांडास भी डिस गेम खेलेंगे, ये वो, भाई क्या मतलब बनता तुम्हारा भाई पांडा, अरे भाई अब तुम मतलब बंदे का मजाक उड़ा रहे हो, उसे पांडा बोल रहे हो, लाइक उसकी बादशाह की हेल्थ को देख के उसे बोल रहे हो कि पांडा, ऐसे तुम्हारी हेल्थ को देख के कोई कुछ बोल देगा, बॉडी शेमिंग कर देगा, फिर तुम्हें कैसा लगे। तो पहली बात तो ये कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, और डायरेक्ट पांडा बोला तो किसी और वे में बोला नहीं होगा, अभी उनकी रिट्रो पांडा आ रही है। तो अब जब पांडा बोला तो इसका मतलब बादशाह को डायरेक्ट पांडा बोला है ना, और वो पांडा मतलब उनकी बॉडी हेल्थ को देख के या उनका जो बॉडी का शेप है उसको देख के बोला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, कोई और नाम ले लेते, लाइक कोई भी नाम ले लेते, स्लैंग में गाली दे देते या कुछ स्लैंग के वर्ड्स बोल देते, चलता। लेकिन बॉडी शेमिंग बहुत बड़ी बात हो जाती है, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी हो सकता हूँ, सबके व्यूज़ अपने अपने अलग होते हैं, ठीक है, सबका दिमाग अलग चलता है, सबका माइंडसेट अलग चलता है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल रॉप्सी को इस चीज़ के मतलब अपना अलग वे बनाए ना यार, वो दूसरों के बीच में क्यों घुस रहा है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। वही बात है भाई, आर्टिस्ट सारे बढ़िया होते हैं लेकिन ये ना गलत लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और लाइक मैंस म्यूज़िक यार बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और मतलब अपना वही बात है, आर्टिस्ट ने अपने मतलब फेम गिरवा लेते हैं भाई ये सब काम करके, और बहुत चीपना लगता है मेरे को, ठीक है। तो भाई मैंस म्यूज़िक बहुत मतलब बहुत बड़ा हाथ है उनका भी DHH में, और जो रफ्तार है में भी एक बंटाई की बीफ हुई थी उसमें भी, मतलब उसको जो शांत करवाने में मैंस म्यूज़िक का हाथ था, तुम्हें पता है बीफ के जस्ट बाद, मतलब जब जैसी बीफ चल रही थी तो एमवी बंटाई का मैंस म्यूज़िक के साथ गाना आया था पैक पैक, ठीक है, उसमें एमवी में बंटाई का वॉइस था। और अभी हाल फिलहाल में रॉप्सी के साइड में मैंस म्यूज़िक होके बोल रहे थे, ये भी तुम्हें पता है, मैं ये शुरू में बताना भूल गया कि मैंस म्यूज़िक भी मतलब रॉप्सी की पोस्ट पे कमेंट कर रहे थे स्टोरी वगैरह, ये सब तुम्हें पता ही होगा, तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, ठीक है। एंड भाई बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ये कि देख के कि मतलब बादशाह के बीच में आ रहे हैं, और बादशाह ने भी स्टोरी डाली माँ डैश मोड ऑन, तो अब देखते हैं भाई बादशाह की तरफ से हमें क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रैक्स या क्या। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि बादशाह को डिस्ट्रैक्स निकालने की ज़रूरत है, बिकॉज भाई बादशाह के पास इतना ज़्यादा फेम है, इतना ज़्यादा पैसा है, और इतने मतलब उनके गानों पे व्यूज़ इतने आते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रैक्स वगैरह निकालने की, क्योंकि भाई बादशाह एक कमर्शियल आर्टिस्ट है एज यू नो, ठीक है, तुम सबको पता है, ठीक है, वो मतलब प्योर हिप हॉप वाला जोनर नहीं है बादशाह का, लेकिन वो जब आते ना भाई बीट पे किल करते सभी को पता है, और वो खुद को प्रूव करने के लिए द ड्रीम ऑफ पावर ऑफ अ किड वाली एल्बम भी निकाल चुके हैं हिप हॉप बेस्ड, कि लोग उन्हें बोलते थे कि भाई ये रैप सॉन्ग नहीं बनाते, भाई
अब जैसे भाई किंग है, किंग आया एमटीवी हसल में, ठीक है, अब वो एक रैप शो था, अब किंग एक मतलब पॉप आर्टिस्ट टाइप बन गया, उनका अलग ही जोन रहा है, उनका ही अलग ही मेलेडी है, अलग ही जोन है भाई खुद का, तब तुम क्या बोलोगे कि किंग एक रैपर नहीं है, लेकिन किंग ने भी रैप सॉन्ग्स बनाए ना। तो भाई आजकल तो यार जो हरियाणवी में रैप कर रहा है, जो मतलब छोटे छोटे दो तीन लाइन का रैप कर देता, वो भी खुद को रैपर कहलाता था, तुम तो भाई बहुत बड़ी बात कर देते हो कि वो एक रैपर नहीं, तुम तो नहीं ये आर्टिस्ट कर देते भाई, आजकल तो आर्टिस्ट कर देते। और भाई रफ्तार की मेरे को एक बात बहुत ज़्यादा प्यारी लगी कि जो रफ्तार ने मतलब बिल्कुल ज़्यादा भाव नहीं दे रहे इन सब लोगों को, रफ्तार भाई सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे, स्टोरी पे लगा रहे, मोटिवेटिव कोट्स लगा रहे, और सिर्फ एक ही बात लिख रहे हैशटैग में विनर सर्कल। तो यार इस चीज़ के बारे में बात करें तो यार ये ना बहुत बार यूज़ कर लिया रफ्तार म्यूजिक ने, तो क्या पता भाई इस नेम से हमें उनका कोई प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है या कुछ आगे जाके चीज़ देखने को मिल सकती है। विनर सर्कल लगता तो ऐसा भाई कोई मतलब नया लेवल है और उसका नाम है या नई टीम है उसका नाम है, लेकिन लेट्स सी भाई आगे क्या होता है, मैं गलत हो सकता है, ये बस मेरी प्रिडिक्शन जा रही है, ठीक है, और तुम्हें प्रिडिक्शन क्यों कहते हैं। तो भाई अब मतलब हाल फिलहाल का यही चीज़ है कि यार देखो अपना आउन वे निकालो, वो करो, ठीक है, मतलब अपना इंडस्ट्री में ये हो गया। लाइक मैं मेंस म्यूजिक को ले लेता हूँ यार, मैं ना डायरेक्ट बात करता हूँ, ठीक है, अब किसी को अच्छी लगे बुरी लगे मेरी आदत है, मैं मेरे को जो लगता है मैं बोलूँगा वीडियो में, ठीक है, मेरा चैनल है, तुम्हें लाइक करना है लाइक करो, डिसलाइक करना है डिसलाइक करो, या सब्सक्राइब कर दोगे तुम्हें बुरी लगती। भाई मेंस म्यूजिक ने स्टोरी लगाई कि देखो बच्चा कैसे वेट कर रहा है, KDS था क्या था जो भी था कि आई डोंट नो यार, मैं भूल गया अभी दिमाग भी, जस्ट मैंने वीडियो से पहले बोला, तो लाइक उन्होंने बोला कि देखो बच्चा कैसे वेट कर रहा है डिब्यूट में आने। तो यार मेंस म्यूजिक को खुद सोचना चाहिए, जो मतलब उनके बाद इंडस्ट्री में आया अपना डिब्यूट देने मेंस म्यूजिक के पास आया, और आरडीबी को मैनेज कर रहे थे अंकित खन्ना जी, ठीक है, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, और जो डिब्यूट देने आया था जिसकी तुम्हें स्टोरी लगा रहे हो, आज वो इंडस्ट्री के कौन सा लेवल सेट कर चुका है वो उन्हें खुद को भी पता है, ठीक है, वो उन्हें खुद को भी पता है, और हम सारी ऑडियंस को भी पता है। देखो मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं भी एक ऑडियंस हूँ, तो हमें खुद को पता भाई बादशाह का लेवल इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और भाई जे वेलविन के साथ बादशाह को कोलैब की खबरें उड़ी थी, तो यार उसमें तुम्हें क्या है, आने दो ना भाई, कोलैब किसी बड़े आर्टिस्ट का साथ आ रहा है तो भाई बंदा कोलैब नहीं कर सकता क्या किसी के साथ। लाइक बादशाह के पास तो यार इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा फेम है ना, कि वो किसी मतलब ये लगा लो यूनिवर्स में किसी भी आर्टिस्ट को उठा के उनके साथ कोलैब कर सकता है, बादशाह के पास इतना पैसा है, वो तुम्हें पता है। बादशाह के पास क्या भाई रफ्तार भाई के साथ भी पैसा है, वो बस होती है कि एक आर्टिस्ट से वाइब कनेक्ट होनी चाहिए कि हाँ भाई इनके साथ कोलैब कर सकते हैं। लाइक अभी दिलजीत दोसांझ के इतने बड़े रैपर के साथ आ रहा है भाई, अभी कितनी सारी बात उड़ी थी, मेरे को उन रैपर का करेक्ट नेम याद नहीं है, लेकिन भाई आने वाला है दिलजीत दोसांझ का, और कंक्लूजन पे आता है क्या करना चाहिए भाई, इनका जो चल रहा है चलने दो, तुम भी इसमें मत पड़ो, तुम बस अपने आर्टिस्ट को सुनो, अपने फेवरेट आर्टिस्ट को सुनो, अगर तुम मेंस म्यूजिक के फ़ैन हो तो मेंस म्यूजिक को सुनो, मैं तो कह रहा हूँ अगर फ़ैन हो तो मेंस म्यूजिक को भी सुनो, बादशाह को भी सुनो, बस ऑडियंस डिवाइड मत हो जाना यार, जैसे रफ्तार और बंटाई के टाइम पे हो गई थी ऑडियंस डिवाइड, जो बंटाई के फैंस थे वो बंटाई के साइड हो गए और वो कलमकार की हेटर बन गई, और जो कलमकार भी थी वो भी मतलब कलमकार की साइड रह गई और बंटाई की हेटर बन गई। अब बहुत से लोग होंगे वीडियो में जो कमेंट सेक्शन में स्पैम करेंगे भाई तू भी तो बंटाई रिकॉर्ड्स का हैकर है, बंटाई रिकॉर्ड्स का नहीं एमवीवे बंटाई का हैकर है। भाई मेरे को एमवीवे बंटाई से पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को गालिब से कोई दिक्कत नहीं है, और गौश से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे अच्छे आर्टिस्ट हैं, मीमैक से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, एमी बंटाई के मैं अभी भी गाने सुनता हूँ, अभी हाल फिलहाल में भाई बहुत अच्छे अच्छे गाने आए थे, और यार ये जो रूथलेस आया था ना मीमैक्स के साथ ही अभी तक मेरे लूप पे चल रहा, और अभी ये जो ट्रैक आया था भाई कहाँ पर हूँ भाई वो वाला तो अलग ही लेवल का था, वीडियो बहुत हार्ड थी उसकी, मैं थोड़ा टॉपिक से अलग चला गया, हम थे मेंस म्यूजिक और बादशाह पे, तो बस वेट करता है कि बादशाह की तरफ से हमें क्या न्यूज़ देखने को मिलती है, आगे क्या आने वाला है उनकी तरफ से, क्योंकि बादशाह ने ऐसे डाला मार्डेश मोड ऑन तो कुछ ब्रूटल ही हो सकता है, और अगर डिस्ट्रैक्ट आया तो यार मैं बादशाह से डिस्ट्रैक्ट मतलब वो कर सकता हूँ कि हाँ भाई बादशाह डिस्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि हमने उनके रैप सॉन्ग सुने हैं, लेकिन अगर मेंस म्यूजिक की तरफ से कोई डिस्ट्रैक्ट आएगा मेरे को नहीं लगता वो डिस्ट्रैक्ट निकालेंगे, पहली बात क्योंकि उनका चलेगा स्टोरी पे पोक लाइक रॉप्सी जैसे कर रहा है भाई, रॉप्सी और मेंस म्यूजिक यार क्यों यार स्टोरी पे कितना, और भाई रॉप्सी ने तो हद पार कर दी, लाइक हर चीज़ को स्टोरी पे मतलब जितना बंदा अपने से रिलेटेड आइटम स्टोरी पे शेयर नहीं करता उतना ही दूसरों के करता है, इसका बस यही काम है कि दूसरों को कॉपीकैट बताना, ठीक है, या किसी को भी बता देंगे, ऐसे अभी किसी ने भाई एमसी स्टैंड के गाने को बोल दिया कॉपी, अरे भाई कॉपी है करने दो ना, जो भी कर रहा है करने दो ना,
वो अपना नाम कमा रहा ना, अपना घर पाल रहा ना, अपना पेट पाल रहा ना, वो पैसे कमा रहा ना, वो फ्लैक्स कर रहा ना, तुम भी कॉपी करके कर लो अगर तुमसे नहीं हो रहा ओरिजिनल कंटेंट निकाल के, तुमसे अगर ओरिजिनल कंटेंट निकाल के नहीं हो रहा तो भाई तुम भी कॉपी कर लो। किसी की रिस्ट्रिक्शन है, तुम किसी के लेबल के अंडर हो, क्या उनका रूल है कि तुम कॉपी नहीं कर सकते, तो भाई बात भी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर कोई इंसान कुछ करके ऊपर बढ़ रहा है तो जलना नहीं चाहिए भाई, वही कहते हैं जलो मत बराबरी करो। तो ये सही हुई बात है। और मेंस म्यूजिक का यार भाई गलत लाइन में आ गए, मेंस म्यूजिक सर आप भाई गलत लाइन में आ गए, बहुत ही ज़्यादा गलत लाइन में आ गए, ठीक है। इससे पता क्या होता है, बस ना ऑडियंस गिरती है, मतलब तुम्हारे पास नंबर्स में तो ऑडियंस आ जाएगी, लेकिन जो प्यार वाली ऑडियंस होती है ना, जो मतलब प्रॉपर ऑडियंस होते हैं, हाँ भाई हम इसके फ़ैन हैं, वो वाली नहीं आ पाती भाई, वो वाली नहीं आ पाती। लाइक अभी मुँहफाड़ कोई डिस्ट्रैक निकाल देगा, उस पर बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, लेकिन अगर वो मुँहफाड़ कोई अगर अपना कुछ मतलब ओरिजिनल ट्रैक निकालेगा जिसमें कोई डिश नहीं, शॉर्ट्स नहीं, सबलिमिनल नहीं होगा, तो उसमें इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे जितने डिस्ट्रैक्स में आएंगे। तो डिस्ट्रैक में क्या होता है, सिर्फ भीड़ आती है भाई, भीड़, वो फैंस नहीं होते, वो भीड़ आती है भाई हर जगह की, वो देखने आते कि भाई इसने रफ्तार को क्या बोला है, इसने रफ्तार को डिश करा है तो क्या बोला है, इसने इसको डिश करा है तो क्या बोला है। और ठीक है, और भाई इंडस्ट्री में रफ्तार भाई तो एक मतलब ऐसा है मोहरा, लाइक चेस पे राजा होता है ना, कि सारे जो प्यार होते हैं वो बस राजा बांटे को ही होता है कि राजा मारो गेम, लाइक रफ्तार का तो अब यही सीन हो गया, और अब बादशाह भी आ गए, मतलब जितने ये दोनों बहुत बड़े आर्टिस्ट इंडिया के भाई, समझ नहीं आ रहा अभी ये तो, पता नहीं हनी सिंह के पीछे क्यों नहीं पड़ रहा। लाइक हनी सिंह के तो यार देखो तुम्हें पता होगा कि काफ़ी सारे सॉन्ग्स जो है वो मतलब कॉपी है, ठीक है, कॉपी कह लो या इंस्पिरेशन इंस्पायर्ड कह लो, ठीक है, मतलब कॉपी इंस्पायर्ड जो भी तुम्हें कहना कह लो, मुर्मू हम सबको पता, लेकिन किसी के मन में हनी सिंह को लेके हेट नहीं है, ठीक है। लाइक अभी बहुत सारे जब रॉबसी ने रफ्तार के बारे में बोला कि ये कॉपी कैट है, वो तो बहुत सारी ऑडियंस भाई रफ्तार की नाराज हो गई कि ये तो कॉपी था, हमें आज तक पता ही नहीं था। लेकिन अभी हनी सिंह के साथ ऐसा होगा ना, तो उनकी ऑडियंस ही नहीं होगी, ऑडियंस उसको डिफेम ही नहीं करेगी भाई हनी सिंह को, क्योंकि हनी सिंह की ऑडियंस भाई मतलब वो है प्रॉपर टॉक्सिक बोलते ना वो वाली भाई, वो उनसे चिपक के रहेगी हनी सिंह से, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और ये आर्टिस्ट भाई हनी सिंह को फेम ही नहीं करते। और मेरे को एक चीज़ और समझ नहीं आती, सॉरी वीडियो लंबी हो रही है भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, 5 के सबसे स्पेशल वीडियो आने वाली, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो आने वाली, मेरे पास सबसे 500 सबसे भी कम सबसे बचे, तो अगर जो न्यू वीडियो पे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं कहता हूं कि भाई एक फैक्ट तुमने सबने नोटिस किया, इंडस्ट्री का कोई सा भी रैपर अंडररेटेड हो या मेनस्ट्रीम हो, वो कृष्णा को पोक क्यों नहीं कर रहा? अब इस चीज़ का मेरे को आप जवाब देना कमेंट सेक्शन में, और अपने व्यूज़ देना कि कोई भी आर्टिस्ट है लाइक रॉब सी, एम यू बनता है, कोई भी हो, वो अब कृष्णा को पोक क्यों नहीं कर रहा? आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, और अगली वीडियो करेंगे इसी टॉपिक से स्टार्ट। आज के लिए बस इतना भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर।